कपासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। वहीं विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। वहीं विधायक ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार हर क्षेत्र में विफल हुई है। पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं राज्य में बालिकाएं, महिलाएं व बुजुर्ग शिक्षित नहीं है। बेरोजगार के मुद्दे पर भी विधायक ने गहलोत सरकार को जमकर कोसा। विधायक बोले, देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है गहलोत सरकार, जो युवाओं के भविष्य के साथ छलावा कर रही है। यहाँ कोई भी सुखी व सुरक्षित नहीं है। हमारे दो कॉलेज है, दोनों कॉलेज के अंदर दोनों प्राध्यापक और मेरे के प्रिंसिपल भी नहीं है। ऐसी हालत हमारे बालक चल रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के विद्यालय खोले, लेकिन उन्हीं विद्यालयों को हमारे संचालित विद्यालय हैं, उन्हीं को उनको अगर कन्वर्ट करने का काम किया, कोई जय उनके काम नहीं किया है। आदर्श गाँव योजना के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, जल जीवन मिशन, हर घर को जल मिले, जल जीवन मिशन योजना प्रारंभ की है। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के माध्यम से हर घर को लाइट मिले, ये काम उन्होंने किया है। स्वच्छता अभियान के अंदर हर घर में शौचालय का निर्माण हो, इसीलिए काम किया है।